मुझे समझ नहीं आ रहा है, एलिमेंट को जाने की अंदर जरूरत थी भी नहीं। क्रस्टी स्पोर्ट्स के साथ एलिमिनेट हो चुकी है, आठवें पायदान पे बड़ा ओवर अटैक की स्क्वाड उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। इनिशिएटिव एलिमेंट की स्क्वाड को अब नूब गैंग की बारी है, ओवर अटैक की स्क्वाड कैसे यहाँ पे सर्वाइव करना जरूर चाहिए। सामने के साइड पे प्लेयर है तो उसे ब्लैक को यहाँ पे डाउन किया गया फाइव के द्वारा। एक आखिरी प्लेयर पॉन्टो रश अपने टीम से सर्वाइव करके डेट्स का इस्तेमाल करा जरूर जा सकता है, बट नीचे से उनका शायद पैर दिख रहा होगा। नेट की बात करें शायद कर भी सकते हैं, बॉटम पर गोल के अंदर एक आखिरी शॉट कहते बट नहीं, एक आखिरी प्लेयर सरवाइव करा। ब्लास्ट की बात करूं उन्होंने पटेल को डाउन किया फाइव में, एक आखिरी प्लेयर बचे हुए थे बट नहीं, शॉट पर अपन का ब्लास्ट को डाउन किया है। एमओएम का एक आखिरी प्लेयर बचा जरूर बट देखते हैं कहां पे बड़े एलिमेंट का आखिरी प्लेयर, वो इतना ज्यादा टाइम से सरवाइव करा बट ब्लास्ट एंड जैसे के साथ डाउन और एमओएम की स्क्वाड दो बार टॉप पर स्क्वाड मैच का एमवीपी आएगा मुझे लगता है एनोनिमस होगा नहीं लेकिन वो कोकू फहीम है फ्रॉम नूब गैंग। गलत साबित हो गई, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे क्योंकि वो नूबी गैंग का प्लेयर है कोकू, जिस तरीके से हम छह किल निकाल के 1834 का डैमेज और मेज इनके हेडशॉट्स को देखें, छह किल एंड छह हेडशॉट।